नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसीवेबल्स और पेबल्स के बारे में, यानी कि आपको किस किस से पैसे लेने हैं और किस किस को पैसे देने हैं, इसका ट्रैक कैसे रखें। तो इसके लिए सबसे पहले व्यापार ओपन करें। अब यहाँ लेफ्ट मेन्यू में होम पेज पे जाएं तो आपको कुछ इस तरह का बिजनेस डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर आपको दो सेक्शंस मिलेंगे। एक यू विल रिसीव, यानी जिनसे आपको पैसे लेने हैं उनकी लिस्ट, और एक यू विल पे, यानी जिनको आपको पैसे देने हैं उनकी लिस्ट। अब मान लीजिए हमने यू विल रिसीव वाले सेक्शन पर क्लिक किया तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां हम सभी रिसीवेबल्स के बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी रिसीवेबल्स और पेबल्स की एक साथ लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में रिपोर्ट सेक्शन पर जाएं। यहां आपको अंडर पार्टी रिपोर्ट ऑल पार्टीज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें तो आप यहां देख सकते हैं कि सभी रिसीवेबल्स और पेबल्स आपको एक लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे पास पार्टीज कम है, लेकिन अगर आपके पास पार्टीज की लिस्ट बहुत लंबी है तो उसके लिए आप यहाँ सर्च बॉक्स का इस्तेमाल कर किसी पर्टिकुलर पार्टी को इस तरह सर्च भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप चाहे तो इस रिपोर्ट को यहाँ से आइकन्स का इस्तेमाल कर एक्सेल में एक्सपोर्ट और प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको रिसीवेबल्स और पेबल्स की सेपरेट रिपोर्ट चाहिए तो आप ऊपर मौजूद फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी डेस्कटॉप के बारे में। अगर आप इसका मोबाइल वर्जन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें और देखें कि मोबाइल में ये कैसे काम करता है। ऐसे ही अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।